ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। सो आज का प्लान जो है वो हमारा फरीदकोट का है। सुबह पहले मॉर्निंग में हमने जो वो एसजीआरडी गए थे। सो एसजीआरडी के एडमिशन होने के बाद जो वो स्टूडेंट्स आर वेटिंग इन द फरीदकोट, सो एक बार जाके चेक करते हैं क्या सो दैट इनको कभी कोई दिक्कत ना, बिकॉज मोस्टली आज संडे है, तो संडे में आपको पता ही है गवर्नमेंट में तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है बिकॉज सबकी छुट्टी होती है। सो लेट्स सी क्या वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, एडमिशन प्रोसेस कैसे चल रहा है, और बच्चों से एक बार मिल जाते हैं बिकॉज जाने से वहाँ पे बच्चों को बहुत हौसला मिलता है। सो बच्चे खुश होते हैं, सो दैट इज व्हाई वी जस्ट प्लान फॉर दैट फरीदकोट। आज हम जो है वो आए हैं वो फरीदकोट, ठीक है, DGS जो वो मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। फरीदकोट के लिए दिस इज़ द गवर्नमेंट कॉलेज, और गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो आके हमें बहुत अच्छा लगा बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज में तो जब भी हम जाते हैं तो अच्छा ही लगता है, बिकॉज हम चाहते हैं कि ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज ही ओपन होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पंजाब के अंदर ऑलरेडी बड़े कम कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट में 4 कॉलेजेस हैं, ठीक है, लाइक जैसे हिमाचल है, हिमाचल में छोटी स्टेट है, स्टिल जो वो 6 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, बट यहाँ पे हमारे जो वो 4 ही गवर्नमेंट कॉलेज है। सो जस्ट वी आर ऑल्सो अपीलिंग फॉर दैट बिकॉज देर शुड बी मोर नंबर ऑफ द कॉलेज शुड बी ओपन इन द नेक्स्ट ईयर। सो देखो जी, आज का काउंसलिंग का प्रोसेस था, तो काउंसलिंग प्रोसेस में हमें आए हैं, पहले हम SGRD गए थे सुबह, और अब आए हैं हम जो वो फरीदकोट। फरीदकोट में जो वो बच्चे क्लाइंट जो हमारे जो एडमिशन्स के लिए जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनसे एक बार हमने मिला है, ग्रीट किया है, बड़ा अच्छा लगा। सो बिकॉज कॉलेज के लिए जब आप किसी बाहर के कैंडिडेट होते हैं मोस्टली, जैसे बाहर से आया उनको इस एरिया का भी नहीं पता था, बट अगर हम किसी बच्चे को रिकमेंड कर रहे हैं, रिकमेंड तो क्या करें, उनकी चॉइस है, जो भी कॉलेज अगर गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिला है तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, बच्चों को दिमाग में एक ना फॉग होता है, पता नहीं जब हम वहाँ पे एडमिशन करवाने जा रहे हैं जहाँ पे, तो क्या वहाँ पे हमें कैसे होगा, कहीं हमारी डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो इट्स ए स्मूथ प्रोसेस, जो भी काउंसलिंग चलती है वो स्मूथली चलती है, सारे एक रूटीन प्रोसेस होता है, बिकॉज कॉलेज को भी रिजेक्शन तभी होती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं कमी है। तो जब आपके डॉक्यूमेंट यू आर ओके विद द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट आपके ओके हैं, सारे ठीक हैं, तो फिर आपको डरने की भी कोई दिक्कत नहीं है। यू जस्ट हैव टू डिपॉजिट योर डॉक्यूमेंट एंड यू हैव द राइट ऑन योर सीट बिकॉज यू हैव गेन्ड, यू हैव अचीव्ड दिस सीट, ठीक है। सो ये प्रोसेस कंप्लीट ऑलमोस्ट जो वो सेकंड राउंड की हो चुकी है, ये मोस्ट प्रोबेबली 14th का सेकंड और थर्ड वीक में ही ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज है जो वो बैच स्टार्ट होने की। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के, फर्स्ट राउंड वाले भी बैठे हुए हैं कि सर जो वो बैच कब स्टार्ट होएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली जो बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर सेकेंड और थर्ड वीक, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में जो जो बैच स्टार्ट है ना वो थोड़ी पहले हो जाएगा। देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि सेकेंड और थर्ड वीक में भी आपको कॉलेज जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स मिली है, बट इफ़ यू आर
एक्सपेक्टिंग दैट भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी इतना जल्दी बैच शुरू हो जाए, बिकॉज थर्ड राउंड अभी पेंडिंग है. ऑलरेडी अकोटा का थर्ड राउंड पेंडिंग है, दैट इज अ ब्लास्ट जो वो राउंड. थर्ड राउंड में बहुत ज़्यादा मेजर चेंज है. सो आपको कुछ कॉलेजेस जो वो प्राइवेट कॉलेजेस वाले भी जो वो अगर आपको बोलते हैं कि बैच स्टार्ट करने के लिए, बट एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, आप एप्लीकेशन लिख दीजिए कि हमारा थर्ड राउंड भी जो वो अभी पेंडिंग है. सो अगर आप थर्ड राउंड देखना, बिल्कुल देखना भी चाहिए थर्ड राउंड. थर्ड राउंड में बहुत ज़्यादा मतलब कि दैट इज़ ए दिवाली बुनाजा आ रहा है आपके लिए. मतलब थर्ड राउंड में काफ़ी ज़्यादा सीट्स जो वो आ रही हैं, NRI की सीट्स आ रही हैं और PWD की सीट्स आ रही हैं, RIMET की सीट्स आ रही हैं और इनरोलमेंट जो सीट्स जो वो मूवमेंट की जो सीट्स होती हैं वो भी आ रही हैं. सो देर इज़ ए ह्यूज अबंडेंट ऑफ दट सीट्स विच इज़ कमिंग टू द नेक्स्ट राउंड. सो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया मैंने जो वो सीट मैट्रिक्स, तो आपको राउंड थर्ड के लिए बता ही दिया कि कितनी सीट्स आ रही हैं. एंड द स्टिल जो वो अब उसमें कुछ RIMET की मैंने मेंशन नहीं की थी, RIMET की भी सीट्स जो वो आ रही हैं. तो चलो हम यहाँ पे फरीदकोट आए हुए हैं तो क्या बात करें जो वो सेमी गवर्नमेंट की, जब हम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं. सो इसी की बताते हैं. सो एक बार रिव्यू करवा देते हैं कॉलेज का, क्या क्या है प्रोसेस, कैसे चल रहा है. आज संडे है. संडे में काफ़ी पेरेंट्स को वैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, बिकॉज संडे वाले दिन जो वो सब कुछ बंद है. आपने देखा होगा कि सब कुछ क्लोज्ड है. सो एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड ओवर हियर. सो मेडिकल में बच्चों को दिक्कत आ रही है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज, बिकॉज एक बार मेडिकल हो गया तो दोबारा होना नहीं चाहिए अगर अपग्रेडेशन जो वो होती है कॉलेज से. सो एनी हाउ दिस कॉलेज इज रियली ऑसम, बिकॉज दिस इज़ द गवर्नमेंट कॉलेज है, तो हम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते क्या है. तो OPD हमें दिखानी नहीं पड़ती, बिकॉज जो वो OPD हम उनकी दिखाते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बिकॉज गवर्नमेंट में OPD, गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट कोई कॉलेज नहीं होता, गवर्नमेंट एक हॉस्पिटल होता है. सो नो डाउट पेशेंट की जो वो टेंशन नहीं है. यहाँ पे बड़ा पुराना, सबसे ज़्यादा पुराना कॉलेज है. सो एनी हाउ यही था एनालिसिस आज का, जो कॉलेज का रिव्यूज क्या था. एक बार दीपांशु कॉलेज दिखा दो. मतलब अब एडमिशन हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है. और यहाँ पे कोई इशू तो नहीं आया था स्टार्टिंग में? वैसे संडे का था तो आज कह रहे थे कि आज नहीं हो पाएगा, बट फिर अमित सर आए तो उन्होंने बोला, फिर अथॉरिटीज़ पे गए तो उन्होंने मान ली बात, तो अब हो गया, एडमिशन डन हो गया. ओके, सो पूरा ओवरव्यू हमने कर लिया है. कॉलेज में सब बच्चों से भी मिले हैं जो कुछ. आज संडे था, मोस्ट प्रोबेबली हमें जो वो ओपन तो नहीं मिला, बिकॉज पूरा कॉलेज ही आज बंद था. स्टूडेंट्स से जो वो बात नहीं ज़्यादा हो पाई भी. कुछ स्टूडेंट्स थे जो हॉस्टल से यहाँ पे आए हुए थे, बट उनसे रिव्यूज़ लेना अच्छा था, हमें रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए हम आते हैं यहाँ पे भी. पर्सनली जो वो स्टूडेंट के रिव्यूज़ क्या हैं, और 1-to-1 बैठते हैं वो हमारे साथ, खुल के डिस्कस भी कर लेते हैं, तो वो वाली चीज़ें होती हैं, वो एक्चुअलिटी जो वो रिव्यूज़ में आती है. बिकॉज जो हम देखते हैं किसी एडमिन से बात करते हैं या किसी अथॉराइज्ड पर्सन से बात करते हैं, सो उनके रिव्यूज़ में और जो वो पर्सनली स्टूडेंट के रिव्यूज़ से जो वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. बट ओवरऑल जो वो मैंने जो वो गर्ल्स हॉस्टल की यहाँ पे थी उनके उनसे भी रिव्यू लिए हैं, बट सेम एज इट इज़ जो, बिकॉज सबके लिए, चाहे वो ज्ञान सागर है, चाहे वो फरीदकोट है, चाहे वो SGRD है, चाहे वो अमृतसर है, पटियाला, सबके जो वो एकेडमिकली जो वो पूरे पंजाब के जितने भी जो वो कॉलेजेस हैं सबके जो वो एक्सीलेंट जो है वो रिव्यूज़ है एकेडमिक पार्ट ऑफ व्यू से. सो एकेडमिकली जो वो सबका ठीक है, अच्छे रिव्यूज़ हैं. और हॉस्टल के लिए कुछ गर्ल्स ने बोला कि जैसे यहाँ पे सो ये है सेकेंड ईयर से, इनको भी आई थिंक सेकेंड ईयर इनसे भी मिल जाता है. हॉस्टल की ज़्यादा हम इतना ज़्यादा बींग एज ए गवर्नमेंट कॉलेज जब वो हम बहुत ज़्यादा हाई फाई जो होटल तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल. जब सारे बच्चे रहते हैं तो ये वाली लाइफ स्पेंड करनी भी चाहिए. सो दिस इज़ नॉट दैट मच इशू फॉर दैट भी. अगर आपने AC लगवाना भी है तो बोलते रूम में लगवा लो, ठीक है. जो अगर आपको कम ये प्रोविज़न है कि किसी बच्चे ने भी अगर आपने AC लगवाना है, बिल पे करते जाओ और अपना AC लगवा लो. सो ये था, ओवरऑल इट्स गुड. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल लीड कैंडिडेट.